हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शुभम कॉर्बेट ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं, बिजरानी जोन के अंदर जा रहे हैं। सामने देखो, चांद नज़र आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मोस्टली होता यह है कि दिन में चांद नज़र नहीं आता। देखो, ये सामने सनलाइट दिखाई दे रही है। सुबह का मौसम कितना सुहाना लग रहा है। देखो, बादल भी हैं और एक डार्कनेस है, एक अजूबा संगम है वेदर का। आज तक हमने आपको दिखाया कि एनिमल्स के बारे में, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि वेदर कैसा होता है। वो सनराइज हो रहा है। सनराइजिंग की जो पोजीशन है कितनी माइंड ब्लोइंग है कॉर्बेट के अंदर। देखो, ये रिवर बेड है, मानसून रिवर बेड, जिसमें कुछ थोड़ा सा ग्रासलैंड भी दिखाई दे रहा है। पत्थरों के अंदर सवाना ग्रास भी हो रही है। वेदर दिखा रहे हैं, हिली एरिया दिखा रहे हैं, ग्रीन जो पीछे पीछे दिखा रहे हैं, पहाड़ियाँ दिखा रहे हैं, हिमालय जैसी वाली फुटहिल्स हैं। और ये ग्रीनरी है, इसमें साल के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पेड़ पाए जाते हैं। देखो, ये सनलाइट दिखाई दे रही है पूरी कम्प्लीटली। ऐसा लग रहा है कि वैसे भगवान प्रकट होने वाले हैं। ये रास्ते हैं देखो, जिसमें डियर भाग रहे हैं, स्पॉटेड डियर हैं ये, जो कि ग्रासलैंड्स के बीच में से कुछ रास्ते बने होते हैं, जिसमें होके हम लोग देखो बस कितनी दौड़ रहा, कितनी तेज़ दौड़ रहा है। ओके, देखो अंदर गया। ये देखो, कुछ ऐसे फुटमार्क्स बने होते हैं, जिसको कि हम वॉच करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि भाई डियर है कि टाइगर है और कौन सी चीज़ कहाँ हो गई है, जिसके सहारे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और कुछ पेड़ों पर क्लो मार्किंग लगी होती है कि जहाँ पर कि टाइगर अपना एरिया डिफाइन करता है, यूरिन से सैंड मार्किंग करता है और नैल से क्लो मार्किंग लगाता है। इस तरह से ये हम लोग आइडिया लगाते हैं कि भैया डियर बोल रहा है तो क्या होगा। और मार्क्स को कैमरे भी लगे यहाँ पर ना साइडों में, कैमरा ट्रैप बोलते हैं इसको, जिससे कि टाइगर की काउंटिंग की जाती है। हर टाइगर की बॉडी में जो लाइन होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये वेजिटेशन है, देखो ये माइंड ब्लोइंग साइट सीन है रिवर का। और देखो कितना ब्लू स्काई है। ये देखो हमारे रास्ते हैं जिन पर कि टाइगर चलना पसंद करता है। टाइगर की जो हथेलियाँ होती हैं सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए वो सॉफ्ट ग्रास या सॉफ्ट मटके पर चलना पसंद करता है। देखो यहाँ पर पानी पीता है ऐसी जगहों में, वो मोस्टली ऐसी जगहों में ही टाइगर जो है पाया जाता है। देखो ये ऐसे फुटमार्क्स लगे होते हैं पूरा रिवर बेड के अंदर। और देखो एलिफेंट की ड्रॉपिंग वगैरह भी यहाँ पे ऐसी जगह मिलती है। एलिफेंट मूव करते हैं, कुछ गाड़ी भी यहाँ पे वेट कर रही है टाइगर के लिए। ये बिजरानी जोन का ये देखो कितना ब्लू स्काई है, एकदम खिली खिली सी धूप आ गई है सुबह के समय में। ये देखो कुछ पानी के अंदर मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, स्मॉल फिश। कितना क्लीन वाटर है, बिस्लरी पानी से भी क्लीन। कुछ छोटी छोटी मछलियाँ इसके अंदर दिख रही हैं। देखो पानी की जो क्लियरिटी कितनी क्लियर है, एकदम माइंड ब्लोइंग वेदर। छोटी स्मॉल फिश घूमते हुए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ओके, ये देखो वो चल रही हैं। कुछ गेस्ट भी थे हमारे साथ। आइए, हम लोग जा रहे हैं जड़ पहाड़ रोड से होते हुए। ये देखो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिजरानी है, दूर से इसका नज़ारा दिखा रहे हैं हम आपको। आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं 15 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक के लिए आप लोग स्टे कर सकते हैं। ये 1928 में बनाया गया था। कि दूर से लोकेशन देखो कितनी माइंड ब्लोइंग है। ये देखो ये ग्रासलैंड है और ये हम लोग रिवर बेड का क्रॉस कर रहे हैं। ये लैंडस्लाइड वाला देखो एरिया देखिए, यहाँ पर मानसून में बहुत पानी होता है तो बारिश के पानी की वजह से ये पहाड़ी में लैंडस्लाइड हो जाता है। ये सब मानसून रिवर है। देखो साइट सीन कितना माइंड ब्लोइंग है। ये साल फॉरेस्ट के अंदर से बीच में से होते हुए हम निकल रहे हैं। पूरा देखो साइड में एंगल है, ऐसे ही रोडों में टाइगर चलना पसंद करता है। मोस्टली एलिफेंट भी ऐसे ही एरिया से निकलना पसंद करते हैं। और डियर छुप के रहते हैं और अपनी जान बचा के, जिससे कि टाइगर उनके ऊपर अटैक ना करते हैं। ऐसा देखो तो ये देखो जैसे कि सूरज निकल रहा है। देखो एकदम माइंड ब्लोइंग सनलाइट आज पेड़ों के बीच में से होते हुए कैसे निकल के आ रही है, जैसे भगवान प्रकट हो रहे हों। ये साइड का सीन है। ये देखो तारों से जो है पत्थर बांध रखे हैं, जिससे कि मिट्टी का कटान ना हो। ये पूरा फॉरेस्ट है, कुछ साल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा तो सनलाइट के छन के आ रही है पेड़ों के बीच में से, एकदम सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। आप लोग देख पा रहे हो, देखो ये फूलताल नाला है जिसमें से होते हुए टाइगर निकलता है। ये पूरा साल के पेड़ हैं, ये लंबे लंबे ग्राउंड वेजिटेशन है क्लेरोडेंड्रोन। ये रोहने के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो माइलस्टोन पर लिखा है रामनगर आने वाला है। गेट की तरफ हम लोग वापस मूव कर रहे हैं। और ये हमारा इसके हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो है गर्जिया टूरिज्म जोन, जो कि नया बनाया गया है अभी, उसका भी एंट्रेंस गेट है। यहाँ से
बिरानी गेट से होते हुए जब मानसून में जब रास्ते ख़राब होते हैं तो ऐसे ही रास्ते, इसमें एक वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। देखो यहाँ से ये यह, देखो यहाँ से जहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको वीडियो में, ये पूरा हम आमनंडा खत्ता एक गांव दिया गया गेट के पास, उसकी लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो इस यहाँ पे जहाँ बिजली पानी कुछ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोकेशन है आमनंडा खत्ता की। ये देखो लोग आ रहे जा रहे हैं, बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो छोटे छोटे बच्चे सुबह मॉर्निंग के टाइम कैसे इंजॉय कर रहे थे, बाय कर रहे हैं आप लोग। देखो पूरा ये आमनंडा खत्ता, देखो यहाँ पे गांव के आसपास गेट से पहले देखो ये गाय भैंस भी है, गाय यहाँ मूव कर रही है, देखो गाय भैंस सब मूव करती हैं सुबह सुबह। ये देखो ये अब हम गेट के पास आने वाले हैं वापस, तो ये देखो अब लोकेशन गेट के पास की लोकेशन है, ये यहाँ पे वाटर हॉल भी बनाया हुआ है, यहाँ पे पानी पीने के लिए जानवरों के पग भी यहाँ पर, गेट के पास के एनिमल्स कॉरिडोर है कम्प्लीटली ये, यहाँ से कि यहाँ से इस देखो ये टॉयलेट बना है यहाँ पे टूरिस्टों के लिए, और ये कुछ फॉरेस्ट के सर्वेंट क्वार्टर हैं, और हम ये गेट की तरफ वापस आ गए हैं। और ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।